हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा टेक सीमेंट के बारे में, उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 22 जुलाई 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट या जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ इस स्टॉक में, आज मतलब 20 जुलाई को। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 1.54% का यहाँ पे अपसाइड मोमेंट आया है अल्ट्राटेक सीमेंट में। और यहाँ पे ये जो अपने 52 वीक हाई के क्लोज है, मतलब आज इसने 52 वीक हाई अपना जो है वो क्रॉस किया है और 7544 यहाँ पे देख सकते हैं, और डेज का रेंज भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या ये आने वाले दिनों में अपना और 52 वीक हाई यहाँ पे क्रॉस करेगा, और क्या ये आने वाले दिनों में अपसाइड मोमेंट देगा या नहीं देगा, उस बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कल के दिन बकरीद है, तो यहाँ पे कल के दिन स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। तो यहाँ पे कल के दिन कल कुछ भी होने नहीं वाला है, स्टॉक मार्केट की हॉलीडेज है। तो यहाँ पे आपको अब सीधा थर्सडे के दिन, मतलब एक्सपायरी के दिन यहाँ पे आपको सीधा अपना मार्केट जो है वो ओपन होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं वन डे के चार्ट पे यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे के चार्ट में ये जो वॉल्यूम है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कैंडल जो है एक छोटी सी बनी है, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिखा रही है। लेकिन यहाँ पे जो RSI है वो अभी 76-77 के आसपास आ चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको थर्सडे के दिन यहाँ पे एक डाउन साइड दिख सकता है। तो यहाँ पे कितने तक का डाउन साइड दिख सकता है उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे और भी यहाँ पे मोस्टली 8000 यहाँ पे आने वाले दिनों में पार हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पे मंडे ट्यूसडे पे ध्यान देना है, यहाँ पे 8000 इजीली यहाँ पे पार हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। और चलिए अब हम मार्क करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे थर्सडे के दिन क्या हो सकता है। तो ये हमारा है जो है वो है वन डे का चार्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या होने वाला है। ये जो है फिलहाल 1 मिनट का चार्ट हमने ओपन किया था, ये जो है 1 आवर का चार्ट है, हमने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी। यहाँ पे इसे क्रॉस करेगा तो जो है इसका 52 वीक है, तब भी यहाँ पे क्रॉस हो चुका है। 7062 जो था इसका 52 वीक है वो क्रॉस होके यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट दी है पूरे ये वीक में। तो यहाँ पे चलिए अब हम बात करते हैं कि थर्सडे को क्या होगा। तो यहाँ पे जो अर्निंग्स है वो थर्सडे के दिन रिलीज होने वाली है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन दिख सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट के जो 2-3 घंटे थे यहाँ पे आपको एक डाउन साइड दिख रहा है, वो एक डाउन साइड बड़ा कैंडल के साथ यहाँ पे जो है डाउन साइड क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो डाउन साइड मंडे के दिन भी रहे, थर्सडे के दिन भी रहेगा। तो यहाँ पे ये जो है वो उसका एक सपोर्ट एरिया है 7383 का। फिलहाल यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया है वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि यहाँ पे बस पहली बार यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको एक डाउन साइड और भी दिख सकता है, और वो जो है वो 7295 से लेके 7300 के आसपास आपको दिखने वाला है। फिर वहाँ से आपको एक बाउंस बैक इजीली दिख सकता है। फिर आपका जो 52 वीक हाई है वो क्रॉस होते हुए दिख सकता है। मोस्टली यहाँ पे मंडे के दिन क्रॉस होगा क्योंकि थर्सडे एक्सपायरी डे है। तो यहाँ पे आपको एक डाउन साइड के साथ फिर यहीं पे इसके बीच में घूमते हुए दिख सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्राइडे को इस लेवल पे आ सकता है 7500 से थोड़ा नीचे, और फिर उसके बाद मंडे को आप 7500 मतलब 52 वीक हाई जो है इसका वो क्रॉस होते हुए देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।